नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपन को स्वागत करुछी मु शक्ति। 14 दिन बीतीगला, आज 14तम दिन रमादेवी छात्री झराफुल झराफुलंकर मृत्यु घटना को, किंतु आज पर्यंत झराफुल मृत्यु रहस्य ऊपर पर्दा उठी पारिला नाही। केमिति हेला तांकर मृत्यु, मृत्यु होईछि ना हत्या करा जायछि, विषक्रिया जोगु तांकर मृत्यु होइतला कि, एभली अनेक असमाहित प्रश्नर उत्तर आज पर्यंत दे पारिला नाही पुलिस। तांकर बंधु राकेश को गिरफ करा जाइथिला एवं से जो जो ठिकी जाइथिले जो गेस्ट हाउस रे रहिथिले सेठी तदंत करा गला, फोरेंसिक टीम जांच कला एवं जोठी जाई कि बिरयानी खाइथिले जो रेस्टोरेंट रे सेठी मध्य जाई जांच करा गला, सीसीटीवी फुटेज मिलला। जो अंचल रे तांकर मृतदेह को फिंगी दिया जाइथिला जाजपुर जिला कुआखिया अंचल रे, सेठी मध्य पुलिस जांच करिला, सीन रिक्रिएट करा गला, किंतु आज पर्यंत केमिति तांकर मृत्यु हला, मृत्यु ना हत्या, ए कथा पुलिस कौनसी निष्कर्ष रे पहुंची पारु नाही। एवं सबुठ बड़ा प्रश्न, जो द्वितीय व्यक्ति जनक जे के घटना रे संपृक्त अछंती राकेश को सहित तांकर अन्य जो बंधु जनक झराफुलंकर मृतदेह को लेकिन कुआखिया अंचल रे फिंगी दे आसीथिले, से व्यक्ति गले कुआडे, काहे के पुलिस तांको आज पर्यंत धरि पारु नाही, ये प्रश्न मध्य उठुची। तार कौन भूमिका थिला ए घटना रे, गेस्ट हाउस रे कौन घटी थिला से दिन राति रे, एवं काहे की तंकु ने की कुआख्या निकट रे फिंगी दे के आसीले, कोउथिरे नै थिले, स्कूटी रे कुआख्या पर्यंत भुवनेश्वर रु नेले ना अन्य कोनसी गाड़ी व्यवहार होइतिला, तंकर प्रकृत रे विषक्रिया जोगु बा फूड पॉइजनिंग जोगु तंकर मृत्यु होइतिला, ना तंकु हत्या करा जाइतिला, ना आउ किछु कारण थिला, कहीं कि निज परिवार को मिछ कही झराफुल ए कथार मध्य आज पर्यंत कौनसी उत्तर मिल पारा ना। ए प्रसंगे अधिक अपडेट पाई मो सहित जोड़ी होती आम सहयोगी रोशन रथ। रोशन, आज 14तम दिन 26 जनवरी विलंबित रात घटना संघटित होता, 14 दिन पर मध्य ए घटना रे अनेक प्रश्न रही जार उत्तर आज पर्यंत पुलिस दे पारु नाही। तो पुलिस वर्तमान ए तदंत को जदि पूरा अनुध्यान करा जाए ताहले पुलिस रो तदंत गोटे दिगहरा बा पुलिस कोनसी निष्कर्ष आड़ को जाऊ नाही बा जानी सुनी विलंबित करुछि, किंबा काहाकू हुए तो पुलिस जो भली बाबरे तांकर द्वितीय जो सहयोगी राकेश रो ताकू आज पर्यंत बांधि पारु नाही। तो पुलिस रो पूरा भूमिका एठी संदेह घर को आसुची ना नहीं। देखो तो शक्तिशाही वर्तमान जहाँ आज को पखापाखि 14 दिन हो गला झराफुल डेथ को, कारण 27 तारीख दिन दिन बेला डेड बॉडी मिलता और तापर जो सीसीटीवी फुटेज आसाला से स्पष्ट होता जे दुई जन व्यक्ति किभली भाव में डेड बॉडी को स्कूटी मझीरे नहीं कि अजा स्थान में कुआखिया निकट में फोपाड़ देते, तेणु पखापाखि घटनार 14 दिन पर जितेबले आज आजिका डेट्रे आम जब कहीपर वर्तमान सुधा पुलिस पक्षर सेमती किसी स्पष्टीकरण आसीपारी जे वास्तविक झराफुल मृत्यु किभली होता है, मारी दिया जाए थिला ना पॉइजनिंग जो हत्या कर पॉइजन दे कि हत्या कर फूड पॉइजनिंग जो मृत्यु होता, तेणु क्योंटना क्योंकि वर्तमान सुधा आम जब देखा पुलिस भी सन्देह रोचे जे मृत्यु किभली होता पुलिस पाखे सठिक प्रमाण नाई। अंपटे आम जब देखा पुलिस जहाँ आज आम खबर नौलु पुलिस भिसेरा रिपोर्ट को अपेक्षा करते पोस्टमर्टम जनकर कराए पोस्टमर्टम विषक्रिया जो मृत्यु होता सन्देह आसे सेपली स्थिति रे अधिक कन्फर्मेसन भिसेरा रिपोर्ट प्रस्तुत करा जाए, से बॉडी रो जो इंटरनल पार्ट गुड़िक रही लिवर लंग्स ये सब गुड़ी को परीक्षा करा जाए, भिसेरा रिपोर्ट द्वारा स्पष्ट हुए जे प्रकृत रे डेथ रे जो पॉइजन कथा होची पॉइजन दे कि मृत्यु करा जाई हत्या करा जाई ना फूड पॉइजनिंग जो मृत्यु होती, तेणु गोटेपटे आम जब देखा पॉइजन जो झराफुल मृत्यु होती गोटेपटे स्पष्ट हो सारी बेले वास्तविक
खाद्य किसी विष दि जाइला कि मारे ना अन्य कौन सी मेडिसिन देकी हत्या कर विभिन्न तथ्य आसपटे आम जदि देखा जो तीन दिन रिमांड में आनीला जाजपुर पुलिस जोबले जो झराफुलों बॉयफ्रेंड रही राकेश जोबले तीन दिन रिमांड में आ एवं माराथन पचरा उचरा करता से बहुत तथ्य सामने को आसला जे जो जोबले जो ओयो होटेल गेस्ट हाउस रही जाते पूर्व राकेश मद पीला और यह खबर आसूँ झराफुलों को किसी मेडिसिन खाया दि जाइला तेणु तर जोबले पूर्व सीसीटीवी फुटेज जो होटेल रेस्टोरेंट खाई सेठाकर सीसीटीवी फुटेज जोबले स्पष्ट हो झराफुलों देह खराब अच्छी तार पेट काटुची और से बात कर रेस्टोरेंट में किसी खाऊनी स्थिति कि मेडिसिन दि जाइला नहीं प्रश्न उठू कहीं मेडिकल निगलानी जदि तार गुरुतर अवस्था थी नहीं प्रश्न उठू तेणु वर्तमान परिस्थितर आम जदि देखा पुलिस गोटे प्रकार सन्देह घेर में रोची बाट बणा हो जाए पुलिस तदंत कहे अत्युक्ति हम नहीं कारण पुलिस पाखे वर्तमान पर्यटन मृत्यु क्यों कारण से नहीं सठिक प्रमाण ना कि रिपोर्ट आसी पारे ना तेणु जहाँ अनुमान कर विसरा रिपोर्ट आसला पर ही पुलिस प्रेसमिट कर सूचना देव जस्तविक झराफुलों मृत्यु किभली अंपटे आम जदि देखा यह अपमृत्यु ना हत्या से नहीं पुलिस बर्तमान सुधा द्वंद्व में रही साइंटिफिक टीम तनाघना कर पुलिस निजे सीसीटीवी फुटेज जांच कर जो होटेल से माने रही थे ओयो गेस्ट हाउस सेठाकर कर्मचारी को पचरा उचरा करु बर्तमान सुधा जहाँ सूचना मिलूँ पुलिस जो राकेश कर जो बयान रही से बयान को ही धरिकी पुलिस तदंत कर कारण अन्य किसी सेमती किसी प्रमाण मिल पारना पुलिस को जो आधार रे यह एक हत्या बोली अनुमान करी पुलिस तदंत आग बढ़े सेपटे जो राकेश कर मुख्य सहयोगी जी डेड बॉडी को नहीं सेठे फोपाड़े सहयोग करते शेखर वर्तमान सुधा कौन से अतापता मिलूना से फेरार हो जाता बेले पुलिस टीम विभिन्न स्थान में चढ़ऊ कर शेखर सेमती किसी अतापता पाईना तेणु स्कूटी केवल जबत हो फोन जबत हो जो स्कूटी नहीं डेड बॉडी को फोपड़ा जाता किंतु वास्तविक पर्यायर वर्तमान सुधा कहीं झराफुलों मृत्यु है किभली झराफुलों मृत्यु है तार वर्तमान सुधा पुलिस पाखे सेमती किसी प्रमाण लग पार नहीं 14 दिन आज पहला रोशन 14 दिन भितर पुलिस कहीं निष्कर्ष पहुंची पारुनी कोईठी रही जाऊँगी समस्या एवं ये घटन जी जो व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति संपृक्त रही शेखर जहाँ कथ आपते पर्यटन पुलिस कहीं पहुंची पारना राकेश जदि गिरफ है रिमांड में नहीं जो तीन दिन कौन पुलिस पचरा उचुरार सामना को आसला एवं आज पर्यंत पुलिस एक कहीं स्पष्ट कर पारुनी हत्या ना मृत्यु विषक्रिया जो मृत्यु हो फूड पॉइजनिंग जो मृत्यु होना ताकि मारि दि जाए ना आउ कौन ये बड़ असमाहित प्रश्न हो रही आज पर्यंत रमादेवी छात्री झराफुल मृत्यु घटन परमेश्वर बेहुरा जाजपुर प्रतिनिधि मत आम सहित जोड़ी होती परमेश्वर जाजपुर पुलिस आज पर्यंत कौन सी निष्कर्ष पहुंची पारा ना झराफुल मृत्यु घटन रिमांड में तीन दिन राकेश को रिमांड बेले सीन रिक्रिएट करागला सबकि कला ता सत्वे पुलिस कहीं यार उत्तर दे पारना पुलिस सहित तो आपन जोगाजोग करते कि पुलिस वर्तमान ए घटना किसी स्पष्ट सूचना देला कि शेखर को कहीं वर्तमान पर्यंत गिरफ्त करा जाई पारना से प्रसंग में पुलिस कहूँ कौन परमेश्वर देखो शक्ति वर्तमान जो झराफुलर मृत्युर जो रहस्य रही वर्तमान पुलिस उन्मोचित करना कारण पुलिस सामान अपेक्षा रही केतबेले भिसेरा रिपोर्ट आसव कारण जो पीएम रिपोर्ट आसी तार एक्सटर्नाल इंजरी किसी नाला बोल कि जहाँ दर्शा जाता कि वर्तमान सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो पुलिस जाजपुर पुलिस और कमिशनरेट पुलिस उभय ए घटना को संवेदनशील भाव में नहीं तथापि पुलिस पाखे अन्य अभियुक्त वर्तमान सुधा हाथ में लगि पारिना और झराफुलर मोबाइल टी पुलिस पाखे पहुंची पारिना माराथन जेरा कर विभिन्न समय होटेल कर्मचारी को आणिक पचराउचरा करपरिक झराफुलर बापा को सामने बस पचराउचरा कर झराफुलर भाईर मोबाइल को मध्य पुलिस सीज करता तथापि वर्तमान सुधा जाजपुर पुलिस कौन सी प्रकार भाव में जो अन्य अभियुक्त अच्छी झराफुलर मोबाइल टी धरवे खोजिकी पाइबार सक्षम हो पारे तेज
बार तारीख जाए विचार विभाग हाजत रहिबो बोली कि राकेश को मध्य रखा जिबो बोली कि मध्य जहाँ सूचना रही तबे 12 तारीख परे मध्य पुलिस पाखरे पहुंच पारिबो ता मध्य साधारण प्रश्नवाची सृष्टि होची एपर्यंत जाजपुर पुलिस पक्षर मध्य कोनोसी स्पष्ट सूचना मध्य दिया जाय नै कि झराफुलर मृत्यु रहस्य केभली भाबरे घटिला कारण विषक्रिया जो कथा उठुची विषक्रिया होई परिथाय किंबा फूड पॉइजन होई परथाय ता मध्य पुलिस रा हातरे बा पुलिस पाखरे एपर्यंत भी कोनोसी सूचना पहुंच पारि नै तबे जहाँ आम पाखरे सूचना अछि आज भिसरा रिपोर्ट आसी पारे एवं भिसरा रिपोर्ट आसला परे जाजपुर पुलिस पक्षरु मध्य प्रेस मीट माध्यम रे ए संपर्क रे सूचना दिया जियो बोली कुआ जायछि तथापि मध्य वर्तमान सुधा राकेश रो अन्य सहयोगी एवं जे झराफुलर मोबाइल कोठी अछि एवं ताकु पाइलेनि कि नै से संपर्क रे पुलिस कोनोसी प्रकार सूचना मध्य वर्तमान सुधा गणमाध्यम रे प्रकाश करि नै शक्ति पुलिस सूचना दौनी पुलिस स्पष्टीकरण दौनी 14 दिन बीतीगला घटना को ये बड़ा संदेह सृष्टि करछि जाजपुर पुलिस रो परिवा पणिया को नैकरी प्रकृत रे पुलिस जानिछि गणमाध्यम को जणौनी ना पुलिस वर्तमान भी अंधार रे बाड़ी बुलाउछि विसरा रिपोर्ट कौन एर मृत्यु रहस्य रा उन्मोचन करिबो ये होछि बड़ा प्रश्न विनीता दास आईएनजीबी हम सहित फोन लाइन ने जोड़ी होइछंती मैडम आपनकु स्वागत विनीता मैडम ए जो घटना झराफुल रमादेवी छात्री मृत्यु घटना रे आज पर्यंत जहाँ डेवलपमेंट होती आम नजर रखा 27 तारीख में मृतदेह मिलला एवं जे कि ये घटनार अभियुक्त राकेश स्वाईं गिरफ्त कर सारी पुलिस 3 दिन रिमांड नहीं कि पचराउचरा कर सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी सारी एवं किंतु आज पर्यंत पुलिस एक स्पष्ट करि पारुनी ए निष्कर्ष रे पहुंची पारुनी जे झराफुलर केमिति मृत्यु हला ताकु मारी दिया जाइतला ना फूड पॉइजनिंग जोगो मृत्यु हला ना आउ कोन कारण ता पछरे रहिछि राकेश सहित अन्य जो व्यक्ति एथिरे संपृक्त थिले जो दुई जन मिसिकरी नै थिले स्कूटी रे तांकर मृतदेह को कुआखिया निकट रे फिंगी देथिले कोथि पई से मृतदेह को नेले एवं काहे कि से कुआखिया निकट रे ताकु पकेइ देले एवं से द्वितीय व्यक्ति कुआडे गला आज पर्यंत पुलिस ताकु धरी पारु नाही एबळी अनेक प्रश्न सृष्टि होउछि त आपण को कोन लागुछि पुलिस ठीक बाटरे तदंत करुछि आज पर्यंत नाही मते तो कोनोसी तरफ लागुनी कि पुलिस ठीक भाबरे तदंत करुछि कारण जदि पुलिस ठीक भाबरे तदंत करुथांबे ताहाले एही मर्डर होइकिनि 14-15 दिन होइगलानी पुलिस निश्चित भाबरे कोनोसी ना कोनोसी एंडिंग रे पहुँचि थांबे प्रथमे तो ओयो गेस्ट हाउस ओनर को तो जेरा करबा कथा कारण बिना आइडेंटिटी कार्ड रे बिना वेरिफिकेशन रे कोनोसी एमिति कपल को रखिबा कथा नहि प्रथमे तो तांकर दोष रहिछे सेठु जदि पुलिस इंक्वायरी करनते आउ गुटे कथा जेते बडे से बाहरिला झराफुलर बॉडी डेड बॉडी को लेकि तार पर्सन जेते बडे से गेस्ट हाउस रु बाहरि छथि जेते बडे तो कम से कम सब जगह रे सीसीटीवी फुटेज अछि मु देखुथिलि एवं न्यूज आप मीडिया माध्यम रे भी देखिछि कि पढ़िछि जे जे झराफुलर गोड़ोटा घुसुरुथिला रास्ता रे सेही टाइम रे पुलिस भी काही किए सामान्य जदि हेलमेट पिंधि नथिबु गाड़ी जदि रॉन्ग साइड रे आमे टर्न करिबु सेते बडे पुलिस संगे संग 10-12 पुलिस आसिकिरि संगे संग आमकु जेरा करुछन्ति क्वाडे एमिति जेइछन्ति कोन जदि एते बड घटनाटा घटि गला जने स्कूटी चलाउछन्ति झराफुल को मझिरे बसैछन्ति तार गोड़ घुसुरुछि से जानी लोकते भले जो भद्र व्यक्ति जन तो कार रे पीछा कले बोली करी से जानी पारले माने तो मते लागु कि झराफुल रो डेड बॉडी भी पुलिस पाइ न थांते एबे पर्यंत मिलि न थांता जेते बले एति कि प्रूफ रे सारीला परे मध्य पुलिस एबे पर्यंत कोनोसी एंडिंग पॉइंट रे पहुंचि न हांति ताले इटा तो पुलिस रो निश्चित भाव रे मते लागु कि गुटीए प्रकार रो एमानकर लागुनी कि ठीक हिसाब रे माने इन्वेस्टिगेशन करू चोंती कारण बहुत गुडा प्रूफ मिली गलाने अति झराफुल फूड पॉइजनिंग रे दे थीची ताहाले तांको को जो बॉयफ्रेंड थिले से काहे कि ताको नेगिरी गलाने हॉस्पिटल आउ जदि जेते बले गेस्ट हाउस रु बाहरिले सेते बले त जणा पड़थिबो ना डेड बॉडी गुटे जणा पड़िजिबो जे सेंस आउ थीची सेटा भी जणा पड़िजिबो सेटा मु सेटा काहे कि संदेह करे रे पुलिस आणु नांती से ओए गेस्ट हाउस रो समस्त जो पचरा उचरा करिले से की प्रकार पचरा उचरा करि चांदी जे एबे पर्यंत दोषी को धरी पारि नाहांती ताको बॉयफ्रेंड को धरी चांदी ठीक अछि किंतु आगु को मध्ये जते रास्ता रे गला सब सीसीटीवी फुटेज अछि बहुत गुडा तथ्य से बाहर करि पारि थांदे किंतु पुलिस काहे कि चुप हेकि रे बोइस कि एटा त पुलिस रो काम उपरे मते पूरा संदेह लागु छि मते लागु नि कि झराफुल को मर्डर के करि ताको मते धरी पारिबे
ଜଣକୁ ଧରିଲ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ସ୍କୁଟି ଚଲଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ପାରିଲାନି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ବିନୀତା ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କାହିଁକି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଆସିବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ବିଶେଷ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ କି ବା ପୁଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଲୁ ଆଣିଦେଇପାରେ କି ଏ ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟର ଭୂମିକାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନୀତା ମ୍ୟାଡମ୍? ଆଜ୍ଞା, ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପୁଲିସ ପ୍ରୁଫ କରାଇପାରିବେ କି କିଏ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୁଲିସ ଜେରା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍କୁଟି ଚଲଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଲିସ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କରିବେନି ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଝରାଫୁଲକୁ। ଯଦି ଏକ୍ଚୁଆଲି ମର୍ଡର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି ମର୍ଡର ହେଇଛି ନା ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଯଦି ପୁଲିସ ତା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ବି ଯଦି ପୁଲିସ କିଛି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଏଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ହଉଛି, ଆଉ ପୁଲିସର ତ କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତ ଏ ଘଟଣାରେ ଯାଜପୁର ପୁଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏଟା ପୁଲିସର ଅବହେଳା ବା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା ଇନଏଫିସିଏନ୍ସି କୁହାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଅବହେଳା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ହିଁ କୁହାଯିବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଟର୍ନ କଲେ କି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଯଦି ପୁଲିସ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଯୋଉଟା ପଇସା ପାଇବାର ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ପୁଲିସ ଆଗ ତତ୍ପରତା ଦେଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି କୁଆଡେ କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ପୁଲିସ କାହିଁକି ତାର ତତ୍ପରତା ଦେଖଉନି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ମତେ ଲାଗୁନି ବିଲକୁଲ ଠିକ ହେଇକିରି ରହିଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଆ ମର୍ଡର ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କେସ୍କୁ ଯଦି ସେ 14-15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଧରିପାରିଲେନି କିଛି କରିପାରିଲେନି, ତ ଅଭିଭିଅସ୍ଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଲିସର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ପୁଲିସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅବହେଳା ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ବିନୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ବିନୀତା ଦାସ ଆଇନଜୀବୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛକରେ, ରାତିରେ ଯାଇକି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରଖାଯାଉଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ତ ଫୋନ୍ ପାଉନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ବହୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ ଏ ଘଟଣାରେ ନା ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକା, ଯେଉଁ କଥା ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଝୁଲି ରହିବ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିବ ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀର କାରଣ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ସେମିତି ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଏଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେମିତି ସମୟରେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥାଏ ପୁଲିସ ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିପାରି ନାହିଁ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ତବିକ
ଝରାଫୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ, କାରଣ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଝରାଫୁଲଙ୍କର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପଟେ ହୁଏତ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ରାକେଶ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ଝରାଫୁଲଙ୍କର, ସିଏ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଭଳି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ରାକେଶଙ୍କର କଥା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଚାଲିବା ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଯଦି ରାକେଶ କଥା ଆଧାରରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ ପୋଲିସ କେତେ ପାରିବାର ଯାଜପୁର ପୋଲିସ, ସିଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରେ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଝରାଫୁଲଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଉ କରାଯାଇଛି କି, ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ମିଳୁଛି କି? ଚଉଦ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ପୋଲିସ କହିପାରୁନି, ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ? ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଝରାଫୁଲର ହତ୍ୟା କିପରି ହେଲା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ରାକେଶକୁ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାକେଶ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତର କଥା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନ କରୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି ଯେ ସେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ରୋଶନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ଯାଜପୁର ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଚଉଦ ଦିନ ପରେ ବି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ପୋଲିସ, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ କେତେ ପାରିବାର, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ପୋଲିସର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ, କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଇ ପୋଲିସ କାମ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କି ଯେ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛି, ନା ପୋଲିସ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି। ଯେଉଁ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ରାକେଶର ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି, କେବଳ ସେଇ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଛି କି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? ସମୟ ହେଉଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।